तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सरकार का कोई भी ऑफिशियल निर्देश स्कूल कॉलेज को बंद करने का नहीं आया है, तो प्रभात खबर पर भी ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। अमर उजाला पर भी जानकारी दे दी गई है। तो स्कूल 15 फरवरी तक बंद है, ये खबर निकल गई है झूठी। जी हाँ, ऐसा कोई भी प्रिंट मीडिया नहीं होगा जो इस न्यूज को ना बताया हो, और इसी के चलते 15 फरवरी तक बंद स्कूल को इस चैनल पे भी बताया गया। और यही कारण है कि आपको एक बार फिर से जानकारी दी जा रही है कि विद्यालय 15 फरवरी तक कोई भी ऑफिशियल निर्देश नहीं आया स्कूल बंद करने का। तो क्या पूरा अपडेट है, कब तक स्कूल बंद रहेगा, इसकी नई जानकारी, नया निर्देश क्या है, बताएंगे इस वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी प्रभात खबर पे मिल जाएगी, तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, क्या यूपी में सभी स्कूल 15 फरवरी तक रहेंगे बंद, जाने क्या है सच। तो आप इसमें देख सकते हैं, यूपी में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे अधिक खामियाजा शैक्षिक संस्थानों को उठाना पड़ा है। और इस बीच सोशल मीडिया पर शैक्षिक संस्थानों को 15 फरवरी तक बंद रखने के आदेश, एक फर्जी खबर तेजी से वायरल हो रही है, जबकि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल खबर निकली है फर्जी। दरअसल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोशल मीडिया पे वायरल 15 फरवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश का खंडन किया। अवनीश अवस्थी द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि अभी कोई ऐसा भी आदेश जारी नहीं किया गया है। शासन के निर्देशानुसार 30 जनवरी तक ही प्रदेश के समस्त स्कूलों को बंद करने का आदेश है, और उसके बारे में अभी और कोई भी समीक्षा नहीं की गई। तो जी हाँ, यूपी में 30 जनवरी तक ही बंद रहेंगे सभी स्कूल। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के बीच यूपी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 30 जनवरी तक ही स्कूल बंद है, सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। इससे पहले 23 जनवरी तक विद्यालय बंद था, जिसकी डेट आगे बढ़ाकर 30 जनवरी तक की गई है, और उसके आगे अभी कोई भी डेट निर्धारित नहीं की गई, यानी 15 फरवरी तक विद्यालय नहीं बंद है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामले 10,000 के पार है। अभी आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 8,000-9,000 केस आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण भी काफी कम हो गया है। इस वजह से देखा जाए तो सरकार अब विद्यालय खोलने का भी फैसला कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पे विद्यालय फरवरी माह से खोले जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ने विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी रखा है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आपको बता दें तो कुल मिलाकर विद्यालय 15 फरवरी तक जो बंद रखने का आदेश था वो फर्जी निकला है, आपको पूरा डिटेल बता दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।